नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 मिनट में। और अगले 10 मिनट में हम आपको कमोडिटी बाजार से जुड़ा अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। और हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको बताएंगे कि रणनीति क्या होनी चाहिए कमोडिटी बाजार में। शुरुआत सबसे पहले एग्री कमोडिटी से जुड़ी 10 खबरों से करेंगे, उसके बाद हम नॉन एग्री कमोडिटीज पर भी फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्री कमोडिटीज से जुड़ी 10 बड़ी खबरों का। जीरा वायदा 23,845 के करीब निचले स्तरों से यहाँ पर खरीदारी लौट रही है। धनिया में भी निचले स्तरों से खरीदारी 7,745 रुपए के पास। हल्दी में भी खरीदारी है निचले स्तरों से एक कमजोरी के बाद और 17,790 के करीब हल्दी है। ग्वारगम की बात करेंगे तो 10,085 के करीब खरीदारी का रुझान यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और ग्वारसीड अप्रैल वायदा 5,200 के नीचे हल्की तेजी का रुख। कैस्टर अप्रैल वायदा 6,014 के करीब कीमतों में हल्की तेजी यहाँ भी। सनफ्लावर ऑयल 877 के करीब कीमतों में हल्की तेजी इधर भी है। कॉटन केक अप्रैल वायदा 2,660 के करीब कीमतों पर दबाव। कपास 1,560 के करीब और ऊपरी स्तरों से यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। वहीं मेंथा ऑयल में भी खरीदारी का रुझान है और मौजूदा लेवल्स 940 रुपये के करीब है। तो ये हैं एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें हमने आपको बताया। और ज़्यादातर कमोडिटीज़ में हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से एक बिकवाली हम देख रहे थे, लेकिन अब वहाँ से खरीदारी लौटते हुए दिखाई दे रही है। स्पेशली स्पाइसेस में, मसालों में हम खरीदारी देख रहे हैं इस वक्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे हमारे साथ कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। पैराडाइम कमोडिटी के बिदेन वकील जुड़ चुके हैं। बिदेन जी, थैंक यू सो मच इटीना उस विदेश को समय देने के लिए। तो बाकी कमोडिटीज़ पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका नज़रिया लेंगे सोने पर। और सोने की बात करें तो रिकॉर्ड लेवल्स पर शुरुआत होते हुए दिखाई दी, काफ़ी अच्छी तेज़ी थी यहाँ पर सोने में। और जिस तरीके से कल फेड की कमेंट्री आई, इसी साल 3 बार कटौती की बात कर रहे हैं, उससे तेज़ी को सहारा मिला। किस तरह से देखा आपने, पहले तो आपका ये जो फेड की कमेंट्री निकल कर आई है उस पर आपका एनालिसिस क्या कहता है, कितनी पॉजिटिव थी और इसका असर आने वाले समय में सोने पर आप कैसा देख रहे हैं? इसमें एक अच्छी बात यह है कि फेड ने बैलेंस शीट रिडक्शन की पेस थोड़ी ग्रेजुअल बनाने का, एडजस्ट करने का संकेत दिया है। मींस कहीं ना कहीं फेड को लिक्विडिटी में स्ट्रेन शायद दिखता होगा जो 2019 में रेपो क्राइसिस हुई थी, तो मे बी लिक्विडिटी फेड थोड़ी अकोमोडेटिव हो जाए, तो इसलिए सभी रिस्क होने में काफी बाउंस आया। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई हो गया डाउ नास्डैक, और सोने ने भी अच्छा बाउंस दिया है, तो मार्केट ने इसको पॉजिटिव समझा है कि भाई जो कैश की थोड़ी टाइटनेस है, दरों जो 5-5.5% पे है, वो थोड़े शायद आगे कम होंगे और बाजार को मॉनिटरी कॉस्ट ऑफ मनी थोड़ा कम होगा। बिल्कुल, तो ये है नजरिया गोल्ड पर। अब कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर चर्चा कर लेते हैं। और जीरे में हम देख रहे हैं कि खरीदारी है। जीरा अप्रैल वायदा 23,845 के करीब कारोबार हो रहा है यहाँ पर, और इस साल सप्लाई में तेज़ी होने की संभावना है। निश्चित तौर से अप्रैल वायदा में हम खरीदारी देख रहे हैं। बीरेन जी, क्या सलाह होगी आपकी कमेंट्स पर? यहाँ थोड़ी एंड यूजर कवरिंग थोड़ी दिख रही है, क्योंकि गुजरात में हमारे जो प्रमुख मंडी है स्पाइसेस की, उसमें अगले वीक 5-6 दिन बाजार बंद रहेगा बिकॉज ऑफ मार्च एंडिंग, तो जो एंड यूजर है उनकी थोड़ी बाइंग दिख रही है। साथ ही साथ पाइपलाइन खाली है, मीन्स इन्वेंट्री काफी लो है, तो उसके कारण भी थोड़ी तेजी है। अभी ये मसालों में थोड़ी ये पिकल की सीजन, अचार की सीजन भी होती है, तो रिटेल बाइंग भी आती है, तो टेम्पररी आउटलुक थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यह है सलाह जीरे पर, आउटलुक अच्छा नजर आ रहा है। धनिया की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी लौटी। अप्रैल वायदा भाव 7,745 रुपए के पास और निचले स्तरों से यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। बीरेन जी, धनिया पर अपनी सलाह दीजिए। धनिया में यील्ड के बारे में चिंता माना जाता है, वैसे भी उसकी स्विंग कम थी। फिलहाल बाजार थोड़ा रुका हुआ है रेड सी डिसरप्शन के कारण, जो फ्लो का है कंटेनर प्राइसेस काफी ऊपर चले गए हैं, तो यहाँ से कोई अगर रिलीफ मिलती है तो धनिया तीनों मसालों में काफी आउटपुट कर सकता है। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह कोरिएंडर पर।
टर्मरिक की बात करें तो अप्रैल वायदा भाव 17,790 के करीब निचले स्तरों से हम यहाँ पर भी हल्की खरीदारी देख रहे हैं, सप्लाई सामान्य से कम है, इस वजह से यहाँ पर हम बढ़त देख रहे हैं टर्मरिक पर। बिदेन जी, क्या सलाह होगी आपकी? लिक्विडिटी काफी अच्छी है इसमें और स्प्रेड ट्रेड काफी अच्छे हो रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइन। फिजिकल और फ्यूचर के बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट मुझे लग रहा है, तो कैश मीन्स हाजिर माल लेके जो हेज कर रहे हैं नियर मंथ के लिए, मेरे हिसाब से थोड़ा कैरी फॉरवर्ड का आर्बिट्रेज अच्छा मिल जाएगा। इस लेवल पे मैं आउटराइट बाइंग में थोड़ा कॉशियस रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये है सलाह इस वक्त हल्दी पर। चलिए, ये तो बात हुई एग्री कमोडिटी सी, आगे कुछ और भी इस पर हम डिस्कशन 11:30 बजे करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। और गोल्ड सिल्वर पर आपको सलाह दी ही, शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और रिकॉर्ड लेवल्स पर यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दी। कुछ बेस मेटल्स की बात करें तो आज यहाँ पर भी शानदार तेज़ी है, कॉपर 1% ऊपर है, जिंक 220 के करीब कारोबार कर रहा है, एल्यूमिनियम लेड में भी मजबूती के साथ यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दी। बिरेन जी, मेटल स्पेस कैसा लग रहा है आपको, और आज ये जो तेज़ी नज़र आ रही है क्या सलाह देंगे, कौन सा स्पेस आपको अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिए? जिंक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि एट दिस लेवल ये करंट प्राइस पे ऑलमोस्ट 80% जिंक प्रोडक्शन लॉस मेकिंग है। यहाँ इतना ज्यादा इन्वेंटरी का बोझ नहीं है कंपेयर टू कॉपर और लेड, तो मैं यहाँ करंट लेवल पे मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। 1 से 2 वीक का नजरिया रखे तो 226 तक हम इसको देख सकते हैं, 216 का स्टॉप लॉस है। 216 का स्टॉप लॉस होगा, 226 के लेवल्स आ सकते हैं जिंक में, ये है सलाह बेस मेटल्स पर। और क्रूड पर बिरेन जी, क्या सलाह होगी आपकी, आज हल्की मजबूती यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, 6,800 के करीब कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है, लेकिन फेड का फैसला आया उसके बाद हमने थोड़ी नरमी देखी थी, अब यहाँ से चाल कैसे देख रहे हैं क्रूड में और ट्रेड कैसे लें? ये बेसिकली हेडलाइन ड्रिवन कमोडिटी है, कोई भी वॉर का या डिसरप्शन का न्यूज आता है तो मार्केट रिस्पॉन्ड करता है। पिछले कुछ दिनों में रशियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हुआ है, तो बाय ऑन डिप्स की जनरली स्ट्रेटेजी रहेगी। करंट लेवल पे थोड़ा सा हल्का डिप मिले 6,700 के आसपास तो बाय किया जा सकता है, 6,530 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में टारगेट 7,000-7,050 का रख सकते हैं, 2 से 3 दिन का नजरिया है ये। ठीक है, तो 7,000-7,050 के लेवल्स आ सकते हैं क्रूड में। बिरेन जी, क्विकली एक व्यू नेचुरल गैस पर भी दीजिए, काफ़ी सपाट आज दिखाई दे रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रेंज में ही कारोबार हो रहा है नेचुरल गैस में काफ़ी समय से, अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या लेवल्स वॉच करें? यहाँ फिजिकल सप्लाई बेहद ज्यादा है और यूरोप का टेम्परेचर भी काफी वार्म है, मींस बाइंग साइड के लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा। अगर किसी को हाई रिस्क ट्रेडर लेना है, ट्रेड लेना है तो 150 में शॉर्ट करके 160 का स्टॉप लॉस और नीचे में 135-137 का टारगेट रखना चाहिए, और ये ट्रेड को हो सके तो ऑप्शन से रिस्क मिटिगेट करना चाहिए। ठीक है, तो यह है सलाह नेचुरल गैस पर। बिरेन जी, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पे अपनी सलाह भी देने के लिए। चलिए, फिलहाल इस चर्चा में